नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। जेएनयू में कुछ दिन पहले हिंसा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसके कारण पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध किया गया। कुछ नकाबपोश कैंपस में घुस जाते हैं और छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद नेताओं ने इस पर काफी बयानबाजी की। उसके बाद बॉलीवुड ने भी अब इसमें भाग ले लिया है। कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर कैंपस में पहुंची थी, उन्होंने छात्रों को समर्थन दिया था और अब दीपिका पादुकोण भी छात्रों के साथ खड़ी नजर आई है। दरअसल दीपिका अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए दिल्ली आई हुई थी। जेएनयू में छात्र हिंसा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दीपिका भी जेएनयू कैंपस में पहुंची। इसके बाद दीपिका की कैंपस में जो तस्वीरें थी, जब वो कैंपस पहुंची तो उसके बाद वो तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी। जब दीपिका जेएनयू कैंपस में पहुंची, वो स्टेज पर खड़ी थी, उस वक्त कन्हैया कुमार भाषण दे रहे थे, आज़ादी के नारे भी वहां पर लग रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। जैसे ही दीपिका के जेएनयू कैंपस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तेजी से सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण को लेकर तमाम ट्वीट्स होने लगे। कुछ लोगों ने दीपिका का जेएनयू में जाने का सपोर्ट किया तो वहीं कुछ लोगों ने इसका खूब विरोध किया। दीपिका को ट्रोल किया गया और उनकी फिल्म छपाक को लेकर भी कई सवाल किए गए। तो आइए जानते हैं कि दीपिका की जेएनयू विजिट पर लोग क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार की। जब दीपिका जेएनयू कैंपस में पहुंची, वो स्टेज पर मौजूद थी, उस वक्त कन्हैया कुमार स्टेज पर भाषण दे रहे थे। और जब कन्हैया कुमार से दीपिका पर सवाल किया गया कि उन्होंने जेएनयू कैंपस में पहुंचकर उनको समर्थन दिया है, तो कन्हैया कुमार का जवाब काफ़ी अजीब था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि दीपिका वहां पर आई और वो उनसे मिले भी नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दीपिका पादुकोण के जेएनयू विजिट पर उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कलाकार ही क्यों, कोई भी आम आदमी कहीं पर भी जाकर अपने विचार प्रकट कर सकता है और इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी प्रकाश जावड़ेकर की तरह दीपिका पादुकोण का समर्थन किया। तो वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने इसका विरोध किया है। उन्होंने दीपिका की फिल्म छपाक का बहिष्कार करने की बात कही है। अनुराग कश्यप ने दीपिका की फिल्म को सपोर्ट करने का फैसला किया है। उन्होंने अपने खास अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा कि किसी भी प्रजाति में फीमेल हमेशा से ही ताकतवर थी, है और रहेगी। हैशटैग दीपिका पादुकोण। छपाक का पहला दिन सारे शो, वो सभी लोग जो हिंसा के खिलाफ खड़े हैं उन्हें बुक माई शो पर जाना चाहिए और इन लोगों को दिखा देना चाहिए। एक साइलेंट बयान देने का समय आ गया है जो सबसे ज्यादा मारक साबित होगा। तो इस तरह से दीपिका और उनकी फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिले जुले रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के साथ दीपिका प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रही है। पहली फिल्म है जिसे दीपिका प्रोड्यूस भी कर रही है। ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है और इस फिल्म को लेकर उनका कहना है कि इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर वो चिंता में नहीं है, क्योंकि कुछ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मायने नहीं रखता है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए दिल्ली तक को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और Twitter पर फॉलो करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।